नमस्कार, ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम लोग चाहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से कोई हर्डल्स हमारी जिंदगी में ना आए, हमें कभी नजर ना लगे। हम किसी भी कार्य को करें तो कोई टोक ना दे। भाई नजर लग जाती है तो डेफिनेटली काम बीच में रुकने लगते हैं, और कई बार तो ये वहम सा बहुत ज्यादा इतना घर कर जाता है कि वाकई नहीं भी रुकने होंगे काम तो हमारे वहम के चलते रुकने ही लगते हैं, क्योंकि हम लोग इतना नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं जिससे हमारे काम वाकई ही रुकने लगते हैं। क्योंकि जैसा ऑरा, जैसे क्रिएशन हम करते हैं, उसका लाभ भी हमारी जिंदगी में वैसे ही होने लगता है। सबसे पहले तो नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव ऑरा ही होना चाहिए। जब हम बुरी चीजें सोचते हैं तो बुरी चीजें होने लगती हैं, जब आप अच्छी चीजें सोचते हैं तो अच्छा ही सब कुछ होने लगता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमने अपने थॉट प्रोसेस को है वो चेंज करना है, क्योंकि थॉट प्रोसेस हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी एक एनर्जी होती है, चाहे उसको नेगेटिव की तरफ ले जाइए चाहे उसे पॉजिटिव की तरफ ले जाइए। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी एनर्जीज को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। अब आती बात की जिसे नेगेटिविटी की बात करते हैं कि हमारी चीजों को नजर ना लगे, टोक ना लगे, रोक ना लगे। भाई नजर देखिए, नजर सिर्फ पर्टिकुलर काम की नहीं होती है, छोटे बच्चे हैं उनको नजर लग जाती है, घर है बहुत अच्छा बना हुआ है आपका, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने डेकोरेट कर रखी है, उसको भी वह नजर लग जाती है। कई बार आप बहुत अच्छे से तैयार होकर के बाहर निकलते हैं, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, उसको नजर लग जाती है। काम आपका बहुत अच्छे से चल रहा होता है उसको नजर लग जाती है, सर्विस आप अच्छे से कर रहे हो तो माय गॉड ये तो वेल सेटल्ड है, उस पर नजर लग जाती है, टोक रोक हो जाती है। तो यानी कुल मिला करके नजर किसी भी तरीके से लग सकती है। दंपति है, हस्बैंड वाइफ है, बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, लोगों की नजर लगने लगती है, निकलते हैं जब सच तय कर जाते हैं बीमार पड़ जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको उस घेरे में लगती है। हमें उस एनर्जी को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी है जो सीधा आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। कैसे की जाए वो एनर्जी ब्रेक? अगर आपको व्यक्ति विशेष है, आपके नजर लग रही है, आपको लगता है कि आपको नजर लगती है बार बार, हेल्थ फ्लक्चुएट हो रही है, अगर आप काम को नजर लग रही है तो भी ये ऑप्शन बता रहे हैं आपको। अगर आपके किसी खास चीज को एलर्जी नजर लगती है, जैसे गाड़ी को नजर लगी, गाड़ी पता चले कि वो सर्विस स्टेशन पर ही खड़ी है हमेशा और उसी को बार बार ठीक करवाना पड़ता है, तो अगर नजर दोष है, परेशान है आप इसके चलते हुए, तो आपको इस उपाय को करना है। पीली सरसों काले कपड़े में बांधनी है, शनिवार का दिन होना चाहिए, तब आपने इस कार्य को करना है। पहला, बच्चों को नजर लग रही है तो एक तावीज बना करके बच्चों के गले में डाल दीजिए, 40 दिन लगातार वो तावीज डाले रखना है। अगर आपके व्यापार स्थल को नजर लग रही है तो छोटी सी पोटली काले धागे से बांधिए और अपने व्यापार स्थल की, यानी जब आप घर अंदर की तरफ खड़े होकर बाहर देखते हैं तो जो आपकी राइट साइड हो, जब आप अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली वो लेफ्ट साइड होगी, अंदर जाते समय लेफ्ट साइड होनी चाहिए, अंदर से बाहर मुख करके खड़े हैं तो आपकी राइट साइड होनी चाहिए। तो एक धागे में एक पोटली बांध करके आपने टांग देनी है, 40 दिन तक टंगी रहनी चाहिए, 40 दिन के बाद आपने इस पोटली को निकाल करके पीपल के पेड़ के नीचे रखाना है। और बच्चों वाली जो पोटली है वो भी आपने जो तावीज बनाया है, उस पोटली का छोटा सा एक तावीज बनाया है, वो भी आपने पीपल के नीचे 40 दिन के बाद रख देना है। लेकिन काले धागे का ही प्रयोग करें जब आप इसका इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए गाड़ी को नजर लग जाती है, अब गाड़ी को नजर लग रही है तो क्या करें? आपने थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, गाड़ी के चारों तरफ आपने घूमना है, एक ही चक्कर काटना है, यानी कि 7-8-10 चक्कर काटना शुरू कर दे तो गाड़ी के आपने पूरा एक सर्कल काटना है, लेकिन इसकी शुरुआत आपने करनी है पीछे की तरफ से, यानी पिछला आगे का बोनट नहीं, पिछला डिक्की जहां होती है वहां से आपने शुरुआत करनी है। शुरुआत करते करते आपने ड्राइविंग सीट की तरफ नहीं आना, यानी ड्राइविंग सीट के साथ वाली जो सीट होती है उस तरफ जाना है, यानी डिक्की से शुरू करना है तो ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट की तरफ जाना है, घूम करके फिर ड्राइविंग सीट से आते हुए आपने पीछे डिक्की तक पहुंचना है और उस पीली सरसों को नीचे गिरा देना है। आपकी गाड़ी को नजर नहीं लगेगी, गाड़ी सर्विस स्टेशन पर रोज खड़ी नहीं होगी।
अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें करने के बावजूद भी तब भी आपको लगता है कि कुछ खास चीजें हैं जहां हमें नजर दूर से बचने की जरूरत है, जैसे आप तैयार होकर के कहीं जाते हैं, बहुत सज संवर करके जाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं जल्दी, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने एक छोटा सा काले रंग के कपड़े में एक पीली सरसों बांध करके अपने जो वो छोटी सी पोटली अपने पर्स में कैरी करनी चाहिए, लेकिन हर 40 डेज में उसे बदलते रहना चाहिए। जो पहली पोटली होगी उसे आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखा, यकीन मानिए आपको नजर नहीं लगेगी, आपके किसी काम को नजर नहीं लगेगी, और आपने वहम नहीं डालना है, आपने शक्की नहीं बनना है, आपने एक जगह अटकना नहीं है, एक नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है, पॉजिटिव रहेगा, आपको बिल्कुल पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।